आज मैं शेयर कर रही हूँ आप सभी लोगों के साथ मटर पनीर की बिल्कुल कम टाइम में बनने वाली पनीर मटर की भुर्जी, जो कि बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार हो जाती है। प्लस ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी स्पाइसी होती है। जब भी कुछ नया या फिर कम टाइम में बनने वाली चीज़ें खाने का मन करे तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कढ़ाई में 2 बड़े टेबलस्पून ऑयल ऐड कर लेना है और उसे अच्छे से गर्म कर लेना है। फिर इसमें ऐड कर देना है 1/2 चम्मच जीरा, 2 से 3 बिल्कुल बारीक चॉप किए हुए ऑनियंस। फिर हमें इसे हल्का सा सॉटी कर लेना है मीडियम फ्लेम पे। सॉटी होने के बाद हमें इसमें ऐड करने हैं बिल्कुल बारीक चॉप किए हुए ग्रीन चिल्ली, जिंजर एंड गार्लिक। आप चाहें तो इसे कूट कर भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे बिल्कुल बारीक चॉप करके ऐड कर दें। और फिर इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। हल्का सा सुनहरा होगा उसके बाद ऐड करेंगे 2 चॉप किए हुए टोमेटो, 1 छोटी कटोरी हरे मटर के दाने, और इसमें हम डालेंगे सब्जियों के अकॉर्डिंग हल्का सा नमक, जिससे कि ये सारी चीज़ें अच्छे से और कम टाइम में पककर रेडी हो जाए। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। अब इसे हम ढक देते हैं 5 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे। 5 मिनट के बाद ये बिल्कुल पूरी तरह से फ्राई हो चुकी है और काफी अच्छे से पक भी चुका है। आप यहाँ पे इसका कलर देख सकते हैं और कंसिस्टेंसी भी, पकने के बाद कलर में चेंजेस आए हैं और ये मटर भी पूरी तरह से पक चुकी है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे सूखे मसाले। मसालों की जितनी भी डिटेल्स है हमने इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में डाली है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। कभी भी सूखे मसाले ऐड करें तो थोड़ा सा पानी ऐड कर दें, जिससे कि मसाले जले ना तेल में। हमने यहाँ पे 1/2 कटोरी पानी ऐड करा और मसालों को अच्छे से पूरी सब्जियों के साथ फ्राई कर लिया। अगर आपको पानी की क्वांटिटी कम लग रही है तो आप यहाँ पे 1/2 ग्लास पानी और ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 1/2 ग्लास पानी एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है। अभी ये बिल्कुल अच्छी सी ग्रेवी परफेक्ट कंसिस्टेंसी की रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे हाथों से मैश करके पनीर। यहाँ पे हमने लिया है 1 छोटी कटोरी भर के पनीर, या फिर क्वांटिटी आप जितना लोगों के लिए बनाना चाहते हैं उतना ऐड कर सकते हैं। पनीर ऐड करने के बाद हमें इसे ज़्यादा टाइम तक गैस पे नहीं रखना है, जस्ट हमें 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम करके इसे एक बार और पका लेना है। ये देखिए बिल्कुल टेम्पटिंग सी बहुत ही सुंदर सा कलर आया है इस पनीर भुर्जी में। लास्ट में गार्निश कर लेंगे बारीक चॉप की हुई हरी धनियों के साथ। इसके बिना तो हर सब्जी और रेसिपी अधूरी है, तो ये ऐड करना ना भूले। आप चाहें तो इसमें नींबू भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। ये रही बिल्कुल कम टाइम की और बहुत ही टेम्पटिंग सी मटर पनीर भुर्जी बनकर रेडी है। आप इसे ब्रेड, पाव, चपाती, रोटी, पराठे किसी भी चीज़ों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको आज की ये बिल्कुल टेस्टी सी स्पाइसी सी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक देना ना भूलें। गर्मा गर्म सर्व करके अपनी पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करिए। चलिए मिलते हैं कल और नई नई रेसिपीज के साथ। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।